जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए लहसुनी चिवड़ा लेकर आई हूँ। आप भी यदि चाहते हो कि चिवड़ा खाते समय हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगना चाहिए, इस तरह से सूखा सूखा चिवड़ा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हूबहू मार्केट जैसा बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोहे बता देती हूँ कि पोहे आप कौन से लें, पोहे का सिलेक्शन कैसे करें। ये मैंने 700 ग्राम सिके हुए पोहे लिए हैं, आपको पास से दिखाती हूँ। एकदम मोटे होते हैं, थोड़े से फूले हुए दिखते हैं, इसे तलने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में लेने जाओगे तो रोस्टेड पोहे के नाम से ये मिलते हैं। और ये जो पोहे हैं, हम आलू कांदा डालकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो वाले हैं। इसके बाद ये नायलॉन पोहे हैं, जो पतले वाले पोहे आते हैं वो है। मैं आपको तीनों में अंतर बताती हूँ। ये देखिए, ये पतले नहीं होते, मीडियम होते हैं, और नायलॉन पोहे एकदम बारीक होता है। इसका भी चिवड़ा बनता है, पर आज हम ये दोनों नहीं लेंगे। और एक बात, चिवड़ा बनाने से पहले पोहे को छान जरूर ले और धूप में याद से सुखा ले। ये रोस्टेड होते हैं, इसलिए इसे रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब पोहे को छोड़कर सभी इंग्रेडिएंट्स को डीप फ्राई कर लेंगे। पहले मूंगफली को कर लेते हैं। हाफ कटोरी मूंगफली ली है मैंने। चिवड़े में आप सभी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। हल्के से रेडिश कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। इस तरह से स्टेनर में ही करें तो सभी चीज़ इजीली होती जाएगी। एक बात ध्यान रखें, सबको तलते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। जब इस तरह से थोड़े से छिलके निकले हुए दिखे तब हमें निकाल लेना है। ज़्यादा रेड ना करें वरना मूँगफली कड़वी लगेगी। नेक्स्ट हम सूखा नारियल लेंगे। ये तो बहुत जल्दी रेड हो जाता है, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पर ही करें। नारियल का गोला तो चिवड़े में बहुत अच्छा लगता है, इसे स्किप ना करें। ये देखिए, ब्राउनिश कलर आ गया है, निकाल लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को तल लेंगे। पहले बादाम को तलेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को आप अलग अलग ही तलें, ताकि सबकी कुकिंग की जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। मूँगफली के जैसे ही इसके छिलके भी थोड़े से अलग होने लगेंगे। ड्राई फ्रूट्स में नेक्स्ट काजू को ले लेंगे। आप सभी ड्राई फ्रूट्स को स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, बस मूंगफली और नारियल के गोले को स्किप न करें। अब इसे भी निकाल लेंगे। अब किशमिश को फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए बस डालेंगे और 2 सेकेंड में निकाल लेंगे। तलने के बाद जब ठंडी होती है तो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, चिवड़े के साथ इसकी बाइट आती है तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसे निकाल कर वापस से गैस को ऑन कर लेंगे। अब लेंगे मखाने। मखाने को यदि आप फ्राई करके नहीं डालोगे तो ये खाने में चव्वड़ लगेंगे, इसलिए इसे फ्राई करके ही डालें। सबसे पहले ही फ्राई कर लें, क्योंकि ये मोटे होते हैं और अब तो तेल भी थोड़ा सा कम हो गया है। मैं पहले भूल गई, इसलिए अब थोड़ा सा चलाकर कर लेंगे तो इजीली हो जाएंगे। आप हाथ से दबाकर देखोगे तो ये क्रिस्पी होकर टूटेंगे। अब ये भी रेडी है। इसके बाद ढेर सारा मीठा नीम डालेंगे और इसे एकदम क्रिस्पी कर लेंगे। इसके बिना तो कोई भी चिवड़ा अधूरा है। वॉश करने के बाद इसे सूखा जरूर लें, वरना तेल बहुत उठता है। आप इस तरह से इसे स्टोर करके सब्जी और दाल में भी यूज़ कर सकते हो। अब डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 10 से 12 ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसे भी थोड़ी सी कड़क करके निकाल लेंगे। अब लास्ट हम फ्राई करेंगे मकई का चिवड़ा। 2 बाउल भर के मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पूरा फ्राई कर लेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसे फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा गर्म लगता है, पर मैंने मिर्ची को फ्राई करने टाइम गैस की फ्लेम स्लो कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा तेल ठंडा हो गया है। इस तरह से 2-3 बैच में पूरा तल लेंगे। अब बनाएंगे लहसुन का मसाला। उससे पहले नीम के पत्तों को थोड़ा सा हाथ से चूर लेंगे। बारीक चूरा करने पर ये चिवड़े में अच्छे से चिपक जाते हैं, वरना चिवड़ा खाते टाइम बच्चे इसे निकाल देते हैं। पहले सब कुछ तल कर रख ले, उसके बाद ही लहसुन का मसाला रेडी करें, क्योंकि मसाला बनने पर गार्लिक फ्लेवर तुरंत चिवड़े के साथ मिलाना है, इसलिए पहले पूरी तैयारी करके रखें। अब 1 घंट पूरी लहसुन की मैंने ली है और इसे हाथ से ही कूटना है। आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा देना हो तो आप 2 घंट भी ले सकते हो। इसमें मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप नॉर्मल तीखा वाला मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, पर मैं चिवड़े में बिल्कुल भी हल्दी यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। साथ में 3 चम्मच नमक डालकर कूट लेंगे। नमक डालकर कूटने से लहसुन की कलियां उछलती भी नहीं है और नमक पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से ये जल्दी कूटा जाता है। इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लेना है। यदि आप मिक्सर में ग्राइंड करें तो भी हल्का दरदरा ही रखें। अब वही बचा हुआ तेल हम दूसरी कढ़ाई में ले लेंगे और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। तेल को भी हल्का ही गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना मिर्ची जल जाएगी और लहसुन भी बहुत जल्दी जलता है। लहसुन अच्छे से कुक हो जाए और उसका पूरा फ्लेवर ऑयल में आ जाए तब तक चला लेंगे। यदि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो गैस ऑफ कर दे और चलाते रहे।
अब देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लहसुन की खुशबू भी आने लग गई है और मसाला बढ़िया पक गया है। गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसे तुरंत पोहे में डाल देना है। यदि आपने बड़े बर्तन में मसाला बनाया हो तो पोहे को मसाले में मिला दे। मसाला ठंडा हो उससे पहले फटाफट मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब सब कुछ तला हुआ जो हमने रखा था वो 1 बाय 1 मिलाते जाएंगे। ये पहले मिर्च डाल देंगे, उसके बाद नीम की पत्तियाँ और फिर मखाने, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, नारियल और मकई का चूड़ा ज़्यादा था तो मैंने 2 प्लेट में रखा था, उसे भी डाल देंगे। अब लास्ट में डालेंगे 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप इसके साथ हल्की खटाई का टेस्ट देना चाहते हो तो सिट्रिक एसिड, नींबू के फूल भी डाल सकते हो। कई लोग यूज़ करते हैं पर मैं नहीं डालूंगी। आपकी चॉइस से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले भी कम ज़्यादा कर सकते हो, पर शुगर पाउडर को स्किप ना करें। भले से नींबू के फूल ना डालें, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल भी तेल ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि पोहे को हमने तला नहीं था तो उसने पूरा तेल एब्जॉर्ब कर लिया है। हाथों में लेकर देख ले, एकदम सूखा सूखा बढ़िया मार्केट जैसा ही बना है। आप इसी टाइम एक बार टेस्ट कर ले। यदि मसाला कुछ मिलाना चाहते हो तो गरम गरम में ही वो इजीली ऐड हो जाएगा। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं घूमने जाए तो ये चूड़ा जरूर साथ ले जाए, और यदि घर पर कोई मेहमान आए तो पहले से भी बनाकर रख सकते हो। एयरटाइट डब्बे में भरकर स्टोर करें, ये जब तक चलेगा तब तक बढ़िया बना रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि चूड़ा बनाने से पहले पोहे को धूप में जरूर सुखा ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।